दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से एक बड़ी सौगात की आज से शुरुआत की गई है। इंटरसिटी प्रगति मैदान कॉरिडोर की आज से शुरुआत की गई है। बहुत ही सुंदर तरीके से इस पूरे कॉरिडोर को सजाया गया है। खुद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जो है वो इस पूरी टर्नल का जो है वो इंस्पेक्शन यहाँ पर करते हुए आपको नजर आएंगे और इनकी दीवारों पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से कारीगरी जो है वो की गई है। खुद हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, केंद्र सरकार का एक बड़ा प्रोजेक्ट प्रगति मैदान और आसपास के हिस्सों में जो जाम लगता था उससे एक बड़ी राहत दिल्ली वालों और एनसीआर वालों को मिलेगी। सर, मैं समझता हूँ ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सौगात है दिल्ली वासियों के लिए, खासतौर पर जब दिल्ली में इतनी परेशानियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट केजरीवाल सरकार तो कर नहीं रही है। इसमें भी वास्तव में जो नॉर्मल प्रोजेक्ट्स के हिसाब से 80% केंद्र सरकार दे रही थी, 20% केजरीवाल जी की सरकार को देना था, पर उन्होंने उतना भी मना कर दिया और फाइनली मोदी जी ने तय किया कि नहीं, पूरा पैसा हम दे देंगे, पर मेरे लिए दिल्ली वासियों की सुविधा प्राथमिकता रखती है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संवेदनशीलता है कि यहाँ पे ट्रैफिक जैम रहता था, प्रदूषण रहता था, लाखों लीटर पेट्रोल डीजल बेकार होता था, आखिर ये सब लोगों की जेब से ही पैसा खर्च होता है। अब समय भी बचेगा, पूरा ये एरिया डिकंजेस्ट हो जाएगा, भैरव मार्ग से शुरू करके रिंग रोड, मथुरा रोड, ये पूरे रीजन को डिकंजेस्ट भी करेगा। अनुमान था दो आज से 5-7 साल पहले के 12,500 टन कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, वो तो बढ़ते जाएगा, नहीं ट्रैफिक तो हर वर्ष बढ़ रहा है, 55 लाख लीटर का बचत की अनुमान थी। मेरा मानना है आज का ट्रैफिक देख के अब एक बार और मैं ITPO को कहूँगा टेरी से नई रिसर्च रिपोर्ट करवाएं, शायद 1 करोड़ लीटर आज के दिन बचेगा हमारे दिल्ली वासियों का, और 1 करोड़ लीटर यानी सीधा 100 करोड़ रुपये उनकी जेब में बचत, दिल्ली वासियों की, नोएडा से आने वालों की, गाजियाबाद से आने वालों की, इस पूरे क्षेत्र में लोगों के लिए लाभ होगा, लोगों का समय बचेगा, प्रदूषण कम होगा, 5 लाख पेड़ जितना प्रदूषण कम करने की क्षमता इस अंडरपास में और टनल में है। और आप देखें कि 6 कनेक्शंस हैं विश्व में पहली बार, और गौर करिए हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है, विश्व में पहली बार क्लोवर लीफ टेक्नोलॉजी, जिससे टनल से निकलना और अंदर आने के रास्ते बड़े सुविधाजनक बनते हैं, वो पहली बार अंडरग्राउंड टनल में LNT के द्वारा डिजाइन किए गए। ये आप सामने देख रहे हैं जो ये एग्जॉस्ट सिस्टम है, ये एग्जॉस्ट सिस्टम भी भारत के इंजीनियर्स ने बनाया, ये बाहर नहीं है, इसमें दोनों हैं, एक स्मोक एग्जॉस्ट भी है, लेकिन साथ ही साथ अगर यहाँ पे कोई फायर आती है कुछ तो उसके प्रिवेंटिव मेजर्स भी इसके अंदर हैं, कि वो स्प्रिंकलर सिस्टम वगैरह। तो एक बड़ा अति आधुनिक टनल बना है, बड़ा अति आधुनिक एक प्रकल्प दिल्ली वासियों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सौगात के रूप में दिया है। निरंतर वो इसका निगरानी करते हैं, रेगुलर रिव्यूज मॉनिटरिंग करके उन्होंने इसको गति दी। मुझे भी स्वयं आदेश दिया था कि हर हफ्ते ये ITPO का प्रोजेक्ट और टनल का हर हफ्ते रिव्यू मीटिंग होती थी, जिसके कारण आज दिल्ली वासियों के लिए ये सौगात मिली है। आप देखिए ये जो आर्टवर्क है, भारत के कोने कोने का दृश्य है, यहाँ पे भारत के सब सीजन्स, 6 सीजन्स यहाँ देखने को मिलते हैं। किधर आपको छत्रपति शिवाजी महाराज दिखेंगे, किधर आपको ओनम का त्यौहार दिखेगा, बोट की रेस दिखेगी, वहाँ पे आपको केवड़िया में जो सरदार पटेल जी की स्टैचू है विश्व की सबसे बड़ी वो देखने को मिलेगी, मथुरा की हट होली, हट लटमार होली यहाँ पे दृश्य दिखेगा, और उसी प्रकार से काशी की गंगा आरती। तो मैं समझता हूँ एक जीता जागता भारत दर्शन लोगों को यहाँ दिल्ली वासियों के लिए भी, और देश विदेश से लोग जो दिल्ली आते हैं उन सबके लिए हम अभी सुविधा बनाने का एक प्रधानमंत्री जी ने स्टेज से ही अच्छा आइडिया दिया है, एक इसको लिविंग आर्ट गैलरी के रूप में कैसे प्रस्तावित करें, जब ट्रैफिक का कम डिमांड होती है या तो संडे सैटरडे संडे या कुछ, देखते हैं कैसे ये दिल्ली वासियों के लिए और देश विदेश के लिए भारत दर्शन आर्ट गैलरी बन जाए।
ये भी हम इस पे भी तैयार करेंगे। एक सवाल और है कि प्रगति मैदान में जो लोग यहाँ पर घूमने के लिए आएंगे, क्या उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था भी इस पूरे टनल के जरिए यहाँ पर की जाएगी? एक बड़ी यहाँ से सीधा जो बेसमेंट पार्किंग है वहाँ के एग्जिट्स बनाए गए हैं, डायरेक्ट कनेक्शन है, तो लोगों को भीड़ भाड़ में नहीं परेशान होना पड़ेगा। सीधा आएंगे, सीधा इसी टनल के माध्यम से बेसमेंट में जाएंगे जहाँ हजारों गाड़ियां पार्क करने की सुविधा रहेगी, तो लोगों के लिए भी बड़ा सुविधा हो जाएगी और प्रगति मैदान के लिए भी एक प्रकार से बड़े रूप में लोगों को आने जाने की सुविधा भी मिलेगी। लोग उसका लाभ ले सकेंगे उस बड़े प्रकल्प का, उसका भी देखो आप डेवलपमेंट कितनी तेज गति से हो रहा है और साथ ही साथ प्रदूषण मुक्त ये पूरा रीजन बनेगा। यार केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से इस पूरी टनल को बखूबी संस्कृति के जरिए जो है वो यहाँ पर सजाया गया है और उसका खुद प्रधानमंत्री की तरफ से आज उद्घाटन किया गया है। कैमरा पर्सन जियाउद्दीन के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।